कल की क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? कल क्या पढ़ाया था? हेडिंग का लगा, क्या हेडिंग का लगा आपने? क्या? सेंटर ऑफ मास फॉर ए कंपोजिट बॉडी। ओके ठीक है, तो चलो सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं कंपोजिट बॉडी। किसके लिए? कंपोजिट बॉडी के लिए। अब हम अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा अलग-अलग बॉडी के, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडी। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? कंपोजिट बॉडी के लिए। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडी। अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये अपना x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले हम बॉडी बना लेते हैं फिर एक्सिस बनाएंगे। जैसे मान लो ये देखो तुम्हारा एक बॉडी, एक क्या है, स्फीयर है। क्या ये स्फीयर है? अभी r रेडियस की, एक दूसरा स्फीयर इसके बाजू में, सेम आइडेंटिकल स्फीयर सब, और इनका सेंटर है यहां पे ऐसा। ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, इस तरह से सबकी रेडियस आ रहा है। हमसे पूछ रहा है ये पूरा जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाइक करेगा, समझना है सिचुएशन। सो दिस इज लाइक द कंपोजिट बॉडी। ये क्या टफ सवाल है क्या? बिल्कुल बच्चे, तुम्हें पता समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास कहां लाइक करने वाला है? डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हो, कहां पे होगा? पहले तो देखो ये x एक्सिस टुवर्ड सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाइक करेगा, x पे या y पे? कहां पे? x एक्सिस पे लाइक करेगा। पहली बात तो मुझे ये समझना है x एक्सिस पे लाइक करेगा मतलब ycm क्या हो गया? जीरो। अब मैं बात करता हूं एक्सीएम की, तो एक्सीएम क्या होता है यार? तो एक्सीएम क्या होता है? तो यार देखते हैं, अब मैं इसको ना देखना पड़ेगा कहां किस लाइन के अबाउट, जो कि वाई के पैरेलल उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाऊंगी ऐसे देखो, तो क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है? मतलब ये जो पॉइंट होगा एक्स पे उसके अबाउट वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। कौन सा पॉइंट है ये? तो भैया ये आर है, ये भी कितना है? आर। तो क्या डायरेक्टली लिखूं एक्सीएम इक्वल्स टू, अपना आंसर हो गया क्या? बहुत टफ सवाल था, सीधे मेथड ऑफ सिमेट्री से कर लिया। अगर कोई चाहेगा नहीं मुझे ऐसे पसंद नहीं आया, मैं इसको करना चाहता हूं, xcm equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 ऐसे करके, तो देखो कर लेते कैसे। वो लिखेगा xcm equals to m1, इसका मास क्या है? m, सही है ना? तो चलो हम करते हैं, जरा बताओ m और x की वैल्यू क्या है वहां पे, x1 की जगह क्या डालूं? 0 प्लस इसके बारे में बोलो m into r r जल्दी बोलो तुम लोग, नहीं तो नहीं लिखूंगा मैं। नेक्स्ट बोलो m into r plus 2r 3r plus यहां पे सेंटर पे इसके 4r राइट, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m plus m plus m कितना हो गया? 3m। कितना हो गया 2r plus 4r 6r, कितना हो जाएगा आंसर? 2r आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आया ना? समझ में आएगा कि नहीं आ रहा भाई? कुछ लोग बोल ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? अब चलो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगला सवाल इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो तुमसे ऐसे सवाल पूछ ले कि यार मान लो कि बॉडी इस तरह से रखी हुई है, चलो सेम उसी टाइप के सवाल में थोड़ा चेंज, एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, एक बॉडी यहां ले लिया ठीक है, एक बॉडी यहां ले लिया, सेम सब आइडेंटिकल स्फीयर से, एक बॉडी यहां ले लिया और एक बॉडी यहां ले लिया। चलो इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लें? तो मैं इसका बोल देता हूं कि इसका सेंटर तो जीरो जीरो पे है ठीक है, ये आर और ये बीच में फिर से आर मान लो, और यहां पे एक आर मान लो, इसको मान लेते हैं कितना आर आर, ये भी आर, तो ये कितना बोल दूं मैं? 3R पे मान लो, ये 4R, ये 5R, 6R बोल देता हूं इसको, 6R कॉमा 0 पे है, इसका 3R कॉमा 0 पे है, इसका कितना भैया? तो R देखो R R 2R और ये, चलो अब इसका निकालो, क्या निकाल सकते हो तुम फटाफट निकाल सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे आंसर, आंसर बताओ उसका मुझे। हाँ, 0.3 आ रहा है, अरे ठीक है ना, भावना महत्वाचार भाव, समझ में आया क्या? इसको पहले आंसर बताओ मुझे जल्दी से उसका, क्या हो जाएगा उसका आंसर, कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे उसको? तो बड़ा आसान है, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ एक्सीएम इसका निकालते हैं। अब इसका ना एक्सीएम और वाईसीएम दो आंसर आएगा, आइडिया है क्यों आएगा? बिकॉज देखो ये एक्स के वर्ड सिमेट्रिक है क्या? नहीं। क्या वाई के वर्ड सिमेट्रिक है क्या? नहीं। मतलब इसमें दोनों कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आने वाला है। तो एक्सीएम अगर मैं लिखूंगा तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, इसमें कितने बॉडीज हैं? कितने बॉडी है? चार बॉडी है, तो मैंने लिखा एम इंटू इसका कितना होगा, एक्स वन कितना? जीरो। चलो जल्दी जल्दी बोलो आगे क्या लिखूं, एम इंटू प्लस एम इंटू
प्लस इसका एम इंटू जीरो। अरे यार सही बोल रहे हो क्या? सच में नीचे क्या 4m आएगा? क्या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखो 3 + 6 = 9, 9/4। क्या सही बात है? नहीं समझ में आया ना? 9/4 r हो जाएगा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? अरे वाह बहुत अच्छा। YCM क्या निकालते हैं? YCM अब जो Y में सेंट्रोमा, तो Y में करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 plus M4 Y4 upon M1 plus M2 plus M3 plus M4। बहुत अच्छे। अब मैंने लिखा भैया M1 into क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Y कितना है इसका? 0। क्या बात, सही बात है। M1 की जगह M here, M into 0। Next बोलो M into 0। Next बोलो। अरे क्या बात करो, सब 0-0 मार डालोगे क्या सबको? नेक्स्ट क्या आ गया? एम इंटू और होल डिवाइडेड बाई। सच में फिर से 4m। यार ये वाला तो 0 हो गया, ये सब तो नहीं लेना चाहिए अपने को। लेना पड़ता है क्या? हाँ लेना पड़े, क्या करें, मजबूरी है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3/4 r। क्या समझ में आएगा? बहुत टफ सवाल पूछ लिया ना मैंने, अब इसको लिखना है क्या तुमको? फटाफट लिख लो, तुम्हें अगला सवाल बताऊ, लिख लो फटाफट इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो देखो यार अब मैंने क्या किया, ये तो सब तो लिख के हो गया है हमारा फंक्शन। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करें, करें क्या बोलो? तो जरा देखो यार, अपने पास अब एक 3 ऐसे स्फीयर है, सीक्रेट है किसी को बताने का नहीं, ऐसा है ठीक। अब जैसे देखो ये समझ लो 3 स्फीयर है मान लो, और तीनों का रेडियस कितना है? R है। मास कितनी है? M है। सेंटर मास निकाल निकाल सकते हो क्या? किसी का आंसर आएगा? किसी ने तो सोचना शुरू ही नहीं किया बहुत सारे, बोले क्या सर हमको पता ही नहीं था, अब तो आप सॉल्व करोगे। तो चलो हम करते हैं ठीक है। अच्छा इसका एक्सिस कहाँ पे माना हुआ है? तो एक्सिस यहाँ सेंटर पे लिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओ जरा क्या है आंसर? आर कॉमा कुछ तो भी। वाओ ऐसा आंसर तो मैंने देखा नहीं अब तक। अच्छा एक्स में आ रहेगा, यू आर सेइंग दैट एक्स में आ, ठीक है देख लेते हैं एक्स में क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं एक्स और वाई दोनों निकालना बेसिकली अपने को। मैंने सोचा इस बॉडी का मुझे निकालना है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, तो एक्सीएम निकालना है। तो एक्सीएम इक्वल टू क्या होगा? 3 बॉडी है, तो डायरेक्ट लिखता हूं क्या, m1 x1 प्लस प्लस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस। अरे बोलो सही है ना? ओके अब सुनिए जरा, मैंने बोला ऐसा हो गया m1 x1, m1 की जगह पे क्या है? तो चलो ये बॉडी पहला मान लेते हैं m, उसका x1 कितना है? चलिए जी बोलो m2 कितना? 2r प्लस m3 अब सोचना पड़ेगा m3 है ना, m3 कहां पे है? m3 तो सिंपली r पे है, m3 सिंपली r पे, तो m3 तो अपना ये है और यहां पे सिंपली यहां से अगर आप निकालोगे तो ये r आ जाएगा। सो m3 * r लिख दिया मैंने, होल डिवाइडेड बाय, ये क्यों हो गया परेशान आज, तीनों का क्या हो जाएगा? m + m + m3m राइट। अब देखो ये m2 नहीं है भैया, ये m ही है। अब कितना आ गया आंसर, कितना आ गया देखो ना, ये 2 + m3 कितना आ जाएगा? r। अरे सही बच्चा, सही बोलो था, xcm तो r आ गया। अब YCM निकालना पड़ेगा अपने को, YCM तो निकालना इसमें थोड़ा सोचते हैं, YCM निकालेंगे इसकी बात करते हैं पहले बॉडी का। तो M1 into Y1 नेक्स्ट बोलो M2 into प्लस M3 into अब ये तो सोचने पड़ गए, M3 मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा कैसे निकला जाएगा भैया? X में तो R है, चलो सही बात है। क्या ये भी R है? ये कितना है? अच्छा ये कितना है? 2R। मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं। मैं सोचता हूं इसको निकालने का तरीका क्या होगा, 2R नहीं होगा कैसे बात करो, 2R क्यों नहीं होगा? ये होगा ना सेंटर में, ये होगा ना वो भैया अपने को ये निकालना है, ये कितना होगा? सिंपली 2R। अब ये 2R होगा लेकिन अपने को ये निकालना है कि नहीं? वो 2R नहीं है। अब क्या करें, ये एंगल कितना है, ये निकाल सकते क्या? कुछ सुनिए ऐसे कैसे निकाल सकते हैं एंगल, तो मैं बता दो कैसे निकालना। देखिए यार ये सेंटर तो पता है आपको,
इसको मिला दो यहां से यहां तक, आप बताओ ये कितना है, ये कितना है, ये टोटल कितना, ये कितना, ये कितना, तीनों कितना, 2R 2R 2R, तीनों का 2R, मतलब कैसा ट्रायंगल हो गया ये, कैसा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल। ये तो लगा जैसे कितना समझ में आ गया, अब इक्विलैटरल तो ये टोटल एंगल कितना, तो ये आधा कितना, कितना ये 30 डिग्री होगा नहीं होगा, सच सच बोलो यार। तो ये अगर ये 30 होगा और ये 2R है तो ये 2R cos 30 होगा। हां ये क्या बोल दी, ये समझाएगी है ना, यहां तक समझा था, ये 2R था, ये 30 था 30, लेकिन ये 2R cos 30 इतना होगा ये नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या उसको 2R cos 30 और डिवाइडेड बाय कितने से, कितने से डिवाइड करूं, अरे नहीं समझा, दिक्कत तो बोल, कितना लिखा मैंने, 3m है, ये क्या है, जा रे जा बेसरा। मतलब मैं समझता था भारत देश में, नहीं नहीं जीरो नहीं बोलना मुझे, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू, तो मैंने लिखा इसको m into 2r into root 3 by 4 बोल रहा, वाह वाह रे वाह, मचा दिया तुमने तो आज, ये तूने 2 को मार दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, root 3 से r upon root 3। अब यहां से अपने पास आंसर हो गया क्या, rcm equals to वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, तो r i cap plus r y root 3, क्या समझ में आया आपको, ये अपना आंसर हो गया क्या, अगला सवाल लिखूं क्या मैं, क्यों नहीं। चलो अगला सवाल आपके लिए है और मुझे आंसर देखते कौन बताता है, ये लो, ये ऐसा, ये क्या है, हाँ सर्कल तो है, ये एक्स है, ये वाई है, बिना सॉल्व किए आंसर दे सकते हो क्या इसका, सब आर रेडियस का, सब का सब क्या है, आर रेडियस का, फटाक से आंसर दे, क्या होगा इसे आंसर, आर दो आर, क्या होगा उसका आंसर, आर दो आर, सिंपली। अरे यार उधर देख रही है पागल, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम अपना दिमाग लगाओ ना, वो अच्छा वो आंसर आर दिया गया तो फिर आर ही होगा, क्या होगा उसका आंसर, आर दो आर, कैसे पता, सिमेट्री से यार, सिंपल सिमेट्री से पता चलेगा इसको, अगर आप सिमेट्री करोगे। अब देखो मैंने फिगर बनाया ना, वो फिगर ही सिमेट्रिक नहीं। अभी तुम देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब क्या इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा सिमेट्रिक है फिगर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला है, यहां लाई करने वाला, समझ में आएगा कहां लाई करने वाला है, यहां लाई करने वाला, अब अगर वहां पे सेंटर मास की वैल्यू कितना होगा, तो यार इधर से आ रहा उधर से आ, इसका आंसर तो मैं बोल दिया, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, क्या बोल दिया मैंने, RCM इक्वल्स टू आने वाला भैया R i के प्लस R j के, मैं इंटेलिजेंट हूं कि नहीं है, कि हूं कि नहीं हूं, एक दो लोग बोल रहे हैं नहीं हो नहीं हो, पता नहीं है बाहर जाने के बाद संकेत देख लेगा तेरे को, है कि नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूं कि नहीं हूं, है कि नहीं, देखो हाँ, तो इसका क्या हो गया, आरसीएम का आंसर ये हो गया। अब चाहो तो इसको आप सुनो, ठीक है नहीं होते ओके खुश। अब मुझे ना आरसीएम का वैल्यू निकालना है, अगर इस मेथड से तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है फटाफट इसको लिखना है क्या, लिखना है, लिख लो फटाफट फटाफट लिखो, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगले सवाल में क्या कर रहा हूं मैं, अब इसी टाइप का एक आसान सवाल लेते हैं, ठीक है अब देखते थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं सवाल को, इतना स्लो नहीं जाएंगे, ठीक है सब लोग मेरे साथ फटाफट आंसर देना। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, कैसी बॉडी है भैया, तो कुछ ऐसी है ना, फूल कुमारी जैसी है, फूल कुमारी का नाम सुना तुमने, नहीं सुना, हमारे स्कूल में था मतलब, अरे नहीं रे बुक में था यार, तो स्कूल में था मतलब बुक में, ठीक है सुनो सुनो छोड़ो बात 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 फुल में तुम्हारी बात कहीं छोड़ बात। तो देखो ये क्या है ना, एक बॉडी है, कैसा बॉडी है, तो यार ऐसा बॉडी है, तो क्या है तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या, ये एक बॉडी है, ठीक है इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है इसका, क्या निकाल सकते हो तुम, क्या निकाल सकते हो इसका, तो जल्दी से बताओ जरा, अच्छा कुछ तो दो नहीं तो रोने लगे हो, ये मान लो कि तुम्हारा 2a, 0, दिस इज 0, 2a एंड दिस पॉइंट इज आल्सो 0, a, खुश प्रश्न, टोटल मास का m मान लेते हैं, स्मॉल m, इसका मास कितना है, m मास इस बॉडी का,
ठीक है, क्या मार्क्स दिया हुआ इसका? एम दिया हुआ है, या एम दिया हुआ है, या फिर कितना बोल दूं, चलो एम ही बोल देते हैं, या फिर इस सवाल को थोड़ा आसान करने के लिए टोटल में अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह, इसको ना क्या करो, एक ऐसे पूरी बॉडी मान लो, ठीक है ना, या फिर मैंने अभी सिखाया नहीं आपको ऐसे मास वास सब्ट्रैक्ट निकालना, तो इसको ना ऐसे नहीं कर सकते तुम, तो सिंपली इससे भी आसान मेथड में बता रहा हूं, अभी वो बाद में सीखेंगे, इसको आप ऐसे मान लो, ऐसे क्या ये तीन बॉडी बन गया, आप तो निकाल सकते हो आप सिंपल, या तो एरिया मोमेंट मेथड लगा लो, नहीं तो कोई भी मेथड लगा लो, क्या आंसर आ जाएगा आपसे? तो चलो अब मैं बोलता हूं इसका सबका मास मान लेता हूं मैं, एम 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 मैं मान लेता हूं सबका मास क्या है, मतलब इसका टोटल 3m है, तो ये m है, ये भी m है और ये भी m है, फटाफट बताओ एक्सियम क्या हो जाएगा, एक्सियम क्या होगा, m इनटू ये इसका लिंक ये कितना है, ये a और ये ay2 होगा, समझ रहे हो ना तुम लोग, क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं m इनटू 3ay2 प्लस ये बॉडी कितना होगा, अच्छा मैंने एक्सियम निकाला है ना, तो ay2 सिंपली ay2, y इसका ये क्या आएगा, m इनटू फटाफट बोलो a by 2, इसका बोलो क्या लिखवाए, m into 3 a by 2 whole divided by कितना, क्योंकि total mass मैंने m m m माना है, अगर नहीं तो जैसा अगर मान लो m दिया होगा total, तो m by 3 m by 3 m by 3 लेते, simply समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तुम, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है m ही लेते हैं, दो ऐसे देख रहे तो total mass क्या है, total mass क्या है, m है, तो अब क्या करना पड़ेगा, m by 3 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 तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके अब देखो m by 3 दिया जी, क्या करें यहां से कैलकुलेशन करना है सिंपल, m by 3 और दिस इज 1 एंड हियर 3 a by 2 कितना हो जाएगा, 5 a by 2 समझ रहे हो ना, अपॉन m m ने m को मार डाला, सो दिस इज 5 a by 6 सिमिलरली अगर ycm निकालोगे तो क्या आएगा, तो ycm निकालोगे तो क्या आएगा, फटाफट बोलो तुम लोग, जो बोलोगे लिखूंगा, m by 3 into 3a by 2 plus m by 3 into a by 2 plus m by 3 into a by 2 simply ये होगा ना point, y में तो a by 2 है, तुम लोग जल्दी जल्दी बोल नहीं रहे हो यार, आंसर नहीं दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, इज इक्वल टू नीचे क्या लिखूं, लिखूं नहीं लिखूं, ये m ने m ने m ने m ने सबको सबको, तो फिर से देखो उसको, अभी इसको समझाया और उसको देखो कैसे कर रहा है, अब देखो इधर देखो इधर देखो, अब मैंने क्या किया भैया, ये देखो 3a by 2 ये a by 2 और ये a by 2 कितना हो जाएगा, ये 5 a by 2 और क्या m by 3 कॉमन लेते ना बाहर, तो m को क्या कॉमन, तो 1 by 3 into 5 a by 2 so this is 5 a by ये 5 by 6 यार यार मतलब इंटरेस्टिंग ना, so this RCM का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट 5 a by 6 कॉमा 5 a by 6 मतलब क्या हुआ, x ये जो लाइन है x equal to y लाइन है, जिसके यहाँ से पास करेगा ऐसे, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अलोंग, अब देखो तो लॉजिकल नहीं लग रहा है, इसको x के अलावा फोल्ड कर दो क्या हो जाएगा, ये बॉडी सिमेट्रिक है, तो इसलिए इसे डायरेक्ट आंसर क्या समझ में आएगा, लिखना है क्या इसको, लिखोगे क्या सच में, तो फटाफट लिख लो, अगला सवाल मैं एकदम आसान से देता हूं आपको, एकदम बच्चा टाइप सवाल कर रहा हो गया, लिखिए सो चलो ये देखो x एक्सिस है तुम्हारा और ये तुम्हारा y एक्सिस है, दो बॉडी है, इसका भी मास मान लो m है और इसका भी m है, इसकी रेडियस कितनी है भैया, तो a रेडियस है बॉडी का और इस स्क्वायर है 2a लेंथ का, स्क्वायर कितने लेंथ का है, 2a लेंथ का स्क्वायर है, हमसे पूछ रहा है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बिना, हां हां बोलो बोलो, नहीं निकलेगा, अब देखो एक स्क्वायर ले लिया, एक सर्कल ले लिया, स्फीयर ले लिया, दोनों के मास सेम है, एक बात सोचो ना जरा, क्यों सोचना है इतना, डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट ओरली कौन बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, बड़ा तो है,
का a रेडियस है उसका हाँ तो इसका भी आधा लेंथ तो यही है क्या गलत है सही तो है इसमें कुछ मत सोचो ज्यादा इधर है दिमाग लगाओ कुछ भी बोलते रहो और उसका समझ में आया एयर अब मैं इसका तो इसका सेंटर मास क्या होगा इस पॉइंट पे होगा क्यों होगा इस पॉइंट पे भैया दोनों साइड मास को इक्वल करना होगा क्या सही बोल रहा हूं मैं हां ये अभी यहां पर ठीक लग रहा है हमेशा जरूरी होता है आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा क्लास के बाद मतलब क्लास के बाद नहीं क्लास में ही जैसा टॉपिक है एचई और में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कौन सा ऑब्जेक्टिव है एचई और मां के ऑब्जेक्टिव 2 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ठीक है उसमें ना आप एक बार उसको सॉल्व करो आपको समझ में आएगा बड़ा कांसेप्ट है छोटा-छोटा सवाल है क्लियर हो जाएगा जरूर सॉल्व करना घर पे जाके पहले मैं इतना कर रहा हूं आप ध्यान से देखो जरा इस बॉडी को मुझे इसका एक्सीएम निकालना है तो एक्सीएम इक्वल टू क्या होगा फटाफट बोलो m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2 बोलो यार सो रहे हो क्या क्या लिखूंगा m1 की जगह आई तो m इसका x कितना है 0 है इसका कितना है m into a plus a कितना divided by क्या हो जाएगा a by 2 आएगा ना a by 2 आएगा 2a आएगा ना simply simply आएगा खाली हाँ बोलती कुछ नहीं समझती हो YCM क्या हाँ why YCM निकालना है वो मेरे को अब जरा जल्दी से बता YCM निकालना कैसे निकालूँगा m into अरे सोचना क्या यार ये तो जीरो आ गया RCM equals to a comma जीरो क्या नहीं आ गया अच्छा बड़ा खुश है तुम लोग तो लोगों लगा ना कि यार क्या आसान सवाल है अब देखो इसी टाइप का एक सवाल लेते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्या चेंज करता हूँ देखो थोड़ा सा चेंज एकदम थोड़ा इतना सा चेंज अरे इतना सा इधर इतना सा चेंज तो देखो जरा क्या चेंज किया मैंने मैंने लिया कि भैया ये एक स्क्वायर है ठीक है चलो लेने दो अब देखो ना थोड़ा सा चेंज किया आंसर कितना चेंज होता है और ये कोई स्फीयर है सेम उसी टाइप का सवाल बोल रहे हैं कि इसकी रेडियस कितनी है तो a है इसका स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है तो 2a है मतलब ये डायमीटर के बराबर इसके अपना ये अपना है एक्सिस x और ये अपना है वही पुराना एक्सिस y इस बार क्या किया इन्होंने इस बार इन्होंने दोनों का मास सेम नहीं लिया क्या किया बोला कि दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है अब मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोग ऐसे दिखते हैं क्या इसे देख रहे हो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम बोल रहा हूं मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या मास पर यूनिट एरिया सेम है इनका इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा दोनों का मास पर यूनिट एरिया क्या है सिग्मा अब निकालो फटाफट जल्दी से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ अब वॉल्यूम क्या स्फीयर नहीं है सब ये डिस्क है इस बार ध्यान रखना इस बात को उसमें चला था यहां पे थोड़ा ध्यान रखना ये डिस्क है और ये क्या है स्क्वायर डिस्क का वॉल्यूम निकालो वे मैं निकालो प्रोफेसर हमको तो पढ़ाया था हमारे स्कूल में चलो किसी का आंसर ए सॉरी छुट्टी मिटा दे जिसका काम आता है चलो ओके ठीक है चलो इधर ध्यान देते हैं अब इस सवाल को करते हैं थोड़ी देर में अब क्या है आंसर किसी का आंसर है चलिए मैं करता हूं अब मैं सोचता हूं ये अब तो इसको आसान है सवाल बड़ा टफ नहीं ये क्या एक m1 बॉडी क्या ये एक m2 बॉडी दो एक m1 और एक m2 है खत्म अब m1 का सेंटर मास m2 का सेंटर मास खत्म अब मुझे लेकिन ये m1 निकालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा m1 इस बॉडी का मैंने बोला m1 तो m1 इक्वल टू क्या होता है अगर सिग्मा दिया हुआ है तो कैसे निकालते हो कुछ याद है व्हाट इज सिग्मा यू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा क्या होती है सिग्मा क्या होता है मास पर यूनिट क्या याद है कि नहीं याद है तो dm/da कुछ होता था याद होगा तो आपको तो यहां से अगर आप dm लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा da याद आ रहा है कुछ ये तो ग्राफ बोलते हैं बाप रे इंटीग्रेशन देखा अरे सिग्मा da होता नहीं होता यार होता है ना तो बच्चों वाली बात है तुम 12th में जाओगे ना तुमको लगेगा क्या बच्चों वाली चीजों में हम फंसते थे सिग्मा da समझ में आया क्या समझ में आया अगर मान लो ये बात कर रहा हूं मैं जब वेरिएबल सिग्मा है लेकिन यहां पे तो डायरेक्ट सिग्मा इनटू एरिया हो जाएगा सिग्मा इनटू तो इसका सिग्मा है एरिया कितना होगा इसका
अरे एरिया कितना होगा, ऐसे क्या कर रहे हो यार, क्या होगा एरिया, कुछ लोगों को समझ ही नहीं रहा। अरे 2a into 2a ऐसे मत करो यार, क्या होगा, क्या होगा एरिया 4a square। तुम लोगों ने कभी कभी एकदम से एकदम लेमैन टाइप करते हो सच में। M2 क्या होगा जरा बताओ, M2 निकालना है तो सिग्मा इनटू इसका एरिया क्या होगा, अब ये भी नहीं मालूम, क्या होगा पाई ए स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सच में समझ रहे हो, अब कुछ लोग देख नहीं रहे। तो M1 हो गया सिग्मा इनटू 4a square, M2 हो गया सिग्मा इनटू पाई ए स्क्वायर। ओके, अब M1 M2 निकल गया, अब निकाल लेते हैं फटाफट। तो XCM इक्वल टू लिखता हूं मैं M1, M1 मतलब क्या, सिग्मा इनटू 4a square इनटू इसका कहां पे है सेंटर मास 0 प्लस इसका कहां पे है M2 के जगह पे सिग्मा पाई ए स्क्वायर इनटू क्या लिखूं। अरे यार a प्लस a 2a बोलो ना यार, क्या दिक्कत है तुमको, क्या लिखूं 2a, कितना लिखा जाए 2a होल डिवाइडेड बाय कितना टोटल मास, सिग्मा 4a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, सिग्मा 4a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई a स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सच में बोलो यार, रिस्पांस करते हो नहीं तो मजा नहीं आएगा, तुमने सन्नाटे में चले जाओ मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, सही बता रहा हूं। तो जरा देखो, अब मैंने लिखा इसका ये तो हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा इनटू पाई 2 को बाहर ले लेते चलो एक मिनट, 2 पाई सिग्मा a क्यूब होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 4a स्क्वायर ये पाई a स्क्वायर, सिग्मा a स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और ये बन जाएगा 4 + पाई, हां या ना बोलो, a स्क्वायर ने a क्यूब को मार डाला, सिग्मा ने सिग्मा को मार डाला, क्या हो चाहिए 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 + पाई, ये क्या आ गया अपना सॉरी 2 पाई a आएगा, हां सर 2 पाई a अपॉन 4 + पाई, ये क्या आ गया अपना XCM। अब हमें क्या निकालना है YCM भी निकालना है, क्या निकालना है भैया YCM निकालना है। अब देखो YCM इक्वल टू क्या आएगा, तो M1 Y1 + M2 Y2 अपॉन M1 + M2, M1 की जगह क्या डालोगे सिग्मा इनटू 4a स्क्वायर + सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर, सॉरी 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 इनटू 0, इसके लिए 0 ना y में, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर इनटू इसका y में कितना है, इसका भी 0, क्या बात कर रहे हो 0 व्हाट डिवाइड बाय टोटल मास m को वही रहेगा ना m, टोटल 0 ही आने वाला है, क्या आने वाला है टोटल 0, मतलब अपने को यहां समझ में मतलब, और वैसे भी दिख रहा था y x की ओर सिमेट्री है तो y में 0 आने वाला है। तो देखो आंसर क्या आ गया अपना, इसका RCM अगर लिखोगे तो आएगा 2 पाई a अपॉन 4 + पाई कॉमा 0, क्या समझ में आया, समझ में आया, अरे समझ में आ गया, लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। चलो ठीक है, अब देखो तुमको एक सवाल करता हूं मैं आसान आसान, एकदम बहुत आसान सा सवाल है, लोग खुद ही कर लोगे, सब लोग इधर ध्यान देगा, एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल आसान, पहले समझते हैं सवाल को। एक बार क्या हुआ ना कि एक जगह पे एक आदमी था, कौन था, एक उसने क्या किया, एक पेन लिया, इंक, इंक से ना कुछ फिगर बनाया, क्या बनाया उसने कुछ फिगर बनाया, कैसा फिगर बनाया तो ध्यान से देखना बड़ा मजा आएगा, ये लो ऐसा फिगर बनाया उसने, फिगर बनाया ऐसा नहीं अच्छा लगा तुम्हारे जैसे एकदम ठीक है ठीक है, वो बोले सर दिल में मेरे दर्द किसको, अरे नहीं ठीक है ठीक नहीं 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 अच्छा बहुत अच्छा, ये देखो इसने ना ऐसा बनाया फिगर, एक आदमी ने किसी इंक से बनाया और बोला इंक है तो क्या हर जगह पे सेम यूनिफॉर्म हुआ होगा, इस तरह से बनाया इसके वजह से कि जो बाहर वाला स्फीयर है, समझ रहे हो ना कौन, जो बाहर वाला स्फीयर है उसका मास, टोटल मास कितना आया तो 6m आया, बाहर वाले का कितना मास है 6m, m कुछ कौन से, इसका आया m, इसका भी आया m, इसका m पर इसका भी आई थिंक m, सब m m आया बाकी सब ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है और सबका कोऑर्डिनेट दिया, ये पॉइंट को आपने बोला कि कंसीडर करो 0 0, जो बाहर वाला सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0 0 दिया है ठीक है। अच्छा ये यहां पे नहीं था, इसका सेंटर एक मिनट, हाँ ये यहां पे सवाल है, एक मिनट ऐसा और ये ऐसा और ये इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको 0, y में है माइनस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है तो 0 0,
इसका दिया है कितना 0 कॉमा माइनस है और इसका कितना दिया है तो a कॉमा 0 क्या समझ में है सीन समझ में आ रहा है a कॉमा 0 है वो सब क्लियर है ना पॉइंट या सॉरी a कॉमा माइनस a है वो ये सब मैं लिख दे रहा हूं सवाल लिख दे रहा हूं a कॉमा a है और ये x में है माइनस a एंड y में है प्लस पॉइंट समझ में अब हमसे पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ क्या बताओ इसका क्या निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते जैसे बोला निकाल सकते हो कोई नहीं बोल रहा नहीं निकाल सकते क्या चल हम देखते हैं कुछ लोग तो एकदम देख के डर गए चलो फटाफट करो तो कैसे करोगे सवाल को देखो अगर आंसर नहीं करोगे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में सच सच बोल रहा हूँ आज की क्लास में मुझे सच में मजा नहीं आ रहा तुम्हारे क्लास में पर कुछ आंसर नहीं करते हो आंसर नहीं मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो कैसे करोगे इस पार्टी को कैसे करोगे यार m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 इस तरह से करके ठीक है और इसका मास m दिया हुआ है सब चलो ध्यान दो इधर तो मैंने लिखा xcm is equals to क्या लिखा मैंने xcm is equals to सबसे पहले मैं कौन सी बॉडी लेती हूँ बड़ी वाली तो 6m into इसका कहाँ पे है 0 plus m into चलो इस बॉडी का सब लोग इधर ध्यान दो फटाफट बोलो m into इसका क्या लिखो 0 इसका क्या लिखो m into a इस वाले का क्या लिखो m into ओके और कौन सा बचा ये वाला तो m into इसका क्या है 0 ना तो xcm क्या है गाइस अपॉन होल डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 6 m प्लस ये 4 m कितना हो गया 10 m टोटल कितना हो गया xcm देखो ना ये इससे कैंसिल ये सब 0 xcm तो 0 आ गया तो ycm देखते हैं अब ycm निकालना है और अगर तुम ध्यान से देखते हैं ना तो एक बात ये देखो ये वाला लाइन ले लो तुम्हारा y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है अगर तुम ध्यान से देखोगे हालांकि जानते हो अगर तुम इस फिगर को बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सिमेट्रिक बन गया लेकिन अपन ने ऐसा मान लिया है ये होगा तुम्हारा x में a y में a ठीक है जाने दो तो अगर तुम देखो ये y के अबाउट सिमेट्रिक था ये लाइन y के अबाउट सिमेट्रिक मतलब सेंटर मास कहां लगने वाला है y एक्सिस पे इसलिए y में x में तो 0 नहीं आने वाला इस तो पहले से पता था हमने को ठीक है तो y में 0 x में 0 कर दिया अब अगर YCM की बात करता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं YCM की तो 6M into 6M into चलो फटाफट बताओ क्या लिखो Y में नेक्स्ट बोलो M into A या माइनस A Y में बात कर रहे हैं A या माइनस A A होगा प्लस इस वाले संख्या का M into A और इसका M into इस वाले का m into whole divided by 10m ये देखो 1 minus a ने एक को मार डाला क्या बच गया यहाँ पे तो m से m कैंसिल हो जाएगा a upon 10 समझ लो तो xcm आ गया 0 ycm आ गया a by 10 का बड़ा टफ सवाल है IIT में पूछा था एक बार जे आसान सवाल था लेकिन IIT में आया हुआ I think 2009 में आया हुआ 2009 में ठीक है फट लिखना है क्या फटाफट लिख लो इसको ठीक है आगे बढ़े चलो ध्यान दो अब मैं आपको बता रहा हूं देखो यहां से आपको समझ में आ गया इस बॉडी का तो ये आईटी में एक बार आया था आसान सा सवाल अगर तुम रहते तो कर लेते कि नहीं सवाल को नहीं करते अगर यही सवाल ना अगर जेई मेंस वगैरह में रिपीट हो जाएगा कभी नहीं देखना आसान वाला चलो अगला सवाल देखते हैं हेड नालो अब इस तरह के सवाल आप करने में कंफर्टेबल हो गए हो कि नहीं अब इस तरह का बॉडी दिया तो आप कर सकते हो कंपोजिट बॉडी का इसको कंपोजिट बॉडी का अंदर ही मैंने रखा था क्योंकि बहुत सारा बॉडी था अलग हेड डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज हेड डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज किसकी बात करने जा रहे हैं हम ट्रंकेटेड बॉडी का और ट्रंकेटेड बॉडी मतलब क्या बॉडी विद कैविटी और कुछ नहीं उसका मतलब मैं समझाता हूं सब लोग को समझ में आएगा ध्यान से देखो ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं ठीक है तो जैसे कभी कभी सवाल तुमसे पूछेगा क्या पूछेगा कि एक बॉडी ले लेगा और उसमें कुछ कट कर देगा जैसे मान लो मैं एग्जांपल दिखाता हूं
ये कोई बॉडी है, ऐसा सवाल तुम पढ़े हो क्या अभी तक? ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में क्या किया गया, कहीं कैविटी दे दिया ऐसा। जैसे एक सवाल समझते हैं, जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और क्या बोला कि भैया ये जो आपका स्फीयर है ना, बड़ा वाला स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है? तो 2r। कितनी रेडियस है उसकी? और ये वाला छोटा रेडियस है उसका, उसका स्फीयर जो है कट किया है जो है उसका रेडियस है r, और बड़े वाले का कितना रेडियस है? 2r रेडियस। अब जो ये शेडेड पोर्शन है ना, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब क्या, ये बॉडी था उसमें से इतना पोर्शन कट करके हटा दिया, समझ में आया? इस तरह के जब सवाल आता है तो कैसे करते हैं, इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हम कैसे करते हैं? तो बड़ा आसान होता है इसको, आप चाहो तो इसको जैसे पसंद हो वैसे कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं, कुछ इसमें बड़ा सवाल जैसे नहीं। पहले हम समझते हैं सवाल को करना कैसे। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक बॉडी, ठीक है? अगर ये पूरा बॉडी तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? ये अगर पूरा बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा, आएगा नहीं आएगा यार? आएगा। अब देखा मैंने, उसमें से ये बॉडी निकाल के हटा दिया, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए वो पुराने बॉडी को भूल जाओ, पुराने बॉडी को भूल जाओ। अब ये छोटा बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहां नहीं आएगा? आएगा। मतलब मुझे एक तरह से देखा जाए, मुझे दो बॉडी मालूम है, एक बॉडी ए एक बॉडी ए, और दोनों का सेंटर ऑफ मास मालूम है। तो सिंपल m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2 है ना? कुछ लोगों ने सर ऐसे कैसे, तो गलत हो जाएगा। मैं बता दूं गलत नहीं होगा। इसको मान लो पूरे बॉडी को, मान लो इसका मास क्या है भैया, तो m मास, और इस बॉडी को मैंने बोला ये m1 बॉडी, ये बॉडी है जिसकी मास अपने को मालूम नहीं है, अभी m2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैं बोलूंगा कि भैया ये जो बॉडी जो शेडेड पोर्शन है उसका मास कितना है, तो m-m2 है। क्या है वो? m-m2। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, x rcm बोलता हूं मैं डायरेक्ट, जो निकालना है फाइनल, मैं उसमें क्या करूंगा यार, m1 into r1 - m2 into r2 / m1। m2 तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, m2 की वैल्यू ही नेगेटिव है, सो m1 - m2। क्या समझ में आ रहा है आपको? सही बात है गलत बात है? सही बात है। अब मुझे m1 m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या करनी पड़ेगी, m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा m1 कैसे निकाला जाए, मैंने बोला कि एक बात बताओ, आपने बोला कि टोटल स्फीयर जो भी था, सॉरी डिस्क के मान लो, क्या ये डिस्क है, तो पूरे डिस्क का मास कितना है? पूरे डिस्क का मास कितना दिया हुआ है? m1 दिया हुआ है ना आपको, m दिया हुआ है, सॉरी, और पूरे डिस्क का मास दिया हुआ है। तो अगर पूरे डिस्क का मास m है तो क्या इसका कितना होगा? तो कुछ लोग बोले ऐसे कैसे पता चलेगा, तो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ कि इसका अगर मैं यूनिट, मतलब मास पर यूनिट एरिया अगर निकालूं, मैं इस बॉडी का मास पर यूनिट एरिया निकालूं, तो मैं बोलूंगा भैया m डिवाइडेड बाय, इसका एरिया कितना होगा, क्या होगा, पाई इनटू 2r स्क्वायर, रेडियस 2r भैया, क्या लिखूंगा मैं, पाई इनटू 2r स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये पूरे बॉडी का मास हो गया। मुझे इतने का मान निकालना, मुझे क्या करना है, इतने भर का मान निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मास पर यूनिट एरिया पता है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा यहां से डायरेक्टली m2 इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू, इसका एरिया कितना है, कितना है एरिया उसका, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर ने पाई r स्क्वायर को, तो कितना बचा, क्या आया, इसकी मास कितनी हो गई? तो इसका मतलब मुझे यहां से पता चला भैया m1 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब m2 तो आपको m / 4 हो गया, तो m1 कितना होगा, टोटल m माइनस इतने का हटा दो, कितना हो जाएगा, 3m/4, एंड m2 तो आपको m / 4 पता ही है। अब फटाफट निकाल लेते हैं rcm xcm ycm। पहले तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये लाइन जो पूरी x के और सिमेट्री, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला है, कहां पे लाई करने वाला है भाई, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे लाई करने वाला सेंटर ऑफ मास। पहले तो मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गया है, x
एक्स एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला। मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो एक्स सी एम इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन की वैल्यू कितनी है 3m by 4, देखो ना 3m by 4 है ना यार, बोलो है ना। R1 कितना R1 कितना है तो देखते हैं। अब सुनो अपन बात किसी कर रहे हैं फर्स्ट बॉडी की। फर्स्ट बॉडी मतलब ये वाला ना पूरा बॉडी, उसका कितना है तो x1 की वैल्यू 0 है, कितना है 0, जल्दी जल्दी बोलो है 0 लिख दो क्या? अच्छा प्लस m2 की जगह क्या डालोगे? ध्यान रखना माइनस एम टू लेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतना आप उसको सेपरेट कर रहे हो ना उसमें से। सो लिखूंगा मैं माइनस एम बाई फोर इंटू उसका कहां पे सेंटर मास, तो उसका सेंटर यहां पे लाई करने वाला है। ये कितना डिस्टेंस है आर, तो मैं लिखा इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 3m/4 माइनस एम बाई फोर। ध्यान रखना सही है गलत है, ऐसा करना सही है गलत है, ऐसा करना वो लिखना ही गलत है, ऐसा करना वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अरे भैया आप मुझे बताओ M1 जो बॉडी है M1 वो M1 इक्वल टू इतना नहीं है, मैंने गलत कर दिया। M1 इक्वल टू तो M माना है ना आपने, तभी तो सबमिट करोगे। ये मैंने यहाँ पे गलत कर रहा हूं मैं, ये M1 है सॉरी एंड ये M1 ऐसे है। अब सही ठीक है ना, इफ आई फाइंड द आंसर तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? अरे बोलो यार, बोलो आदत नहीं है ना। 3m/4 से कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस r बाई xcm क्या आ गया? माइनस r बाई 3 ycm क्या आ गया? 0। मतलब rcm अपन कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो r बाई 3 माइनस में कॉमा 0। आपको बोलो सेंटर मास नेगेटिव आता क्या? ये तो गलत आंसर आ गया, सेंटर मास नेगेटिव आता है आया। तो अब बता दो इसका क्या मीनिंग है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था सेंटर ऑफ मास जे पोजीशन, सेंटर ऑफ मास जे पोजीशन। तो भैया ये आपका ओरिजिन है, माइनस आर बाई 3 आंसर आया, मतलब क्या? आर इतना बोल रहे हो, मतलब यहां से अगर आप ऐसे जाओगे दिस इज द डिस्टेंस आर बाई 3, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ मास है। ये कौन है आपका? समझ में आया क्या? अब जरा तुम ध्यान से देखो जो ट्रंकेटेड बॉडी होता है, आपको पता है इसमें ट्रंकेटेड बॉडी दो बॉडी। अब देखो सेंटर ऑफ मास किधर खिसक रहा है, हेवियर की तरफ खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है? सो इसलिए मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास ऑलवेज किधर जाता है? हेवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या समझ में आया ट्रंकेटेड बॉडी का? अगला सवाल करोगे इसको लिखना है क्या? फटाफट लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आप करो सवाल। चलो सवाल क्या है तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो तुमसे बोले कि ये कोई स्फीयर है, सर स्फीयर किसका? अच्छा सुनो सुनो एक मिनट इस सवाल को करने के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये डिस्क ना होकर कोई स्फीयर होता, अगर डिस्क ना होकर कोई स्फीयर होता तो क्या ऐसे करते? तो भी बड़ा आसान होता। चेंज क्या होता उस केस में? m1 n2 चेंज होता। क्या चेंज होता? m1 और m2 चेंज होता। कैसे करते हैं उसको m1 और m2 की जगह कैसे करते हैं? तो बड़ा आसान है, M1 और M2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ता, समझ रहे हो? और उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो आप मतलब एक दो एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो। चलो एक सवाल करते हैं अभी। अब मान लो ये x एक्सिस इधर है और ये y एक्सिस u है, ये एक डिस्क है मान लो, और इस डिस्क में से क्या किया उन्होंने तो r/2 का ऐसा कर, ये देखो समझ में आया कैसा कट हुआ? या फिर इसको और भी छोटा कर दो, ऐसा हो जाएगा। देखो मैं बता दूं छोटा ऐसा कट किया उन्होंने इसमें से, और ये कुछ यूं ये जो बॉडी है टोटल इसकी रेडियस आपको दी है 2r। ये रेडियस कितना दिया हुआ है? ये रेडियस दिया हुआ है 2r एंड इसकी रेडियस दी हुई कितनी? r/2। कर सकते हैं सवाल को आप? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना, तो आपको इस सवाल को कसर दो करना है ठीक है। अभी करो, अभी कर लो फटाफट।
ठीक है, मास टोटल m है, मान लो कि पूरे बॉडी का टोटल मास m, टोटल मास, टोटल मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, आपको क्या करना क्या पड़ेगा, फिर से m1 m2 इसे निकालना पड़ेगा और उस तरह से हम करेंगे। तो अब हम इस सवाल को करते हैं, चलिए सब लोग ध्यान से देखिए मेरी ओर, जिनको नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, सब लोग मेरे इस तरफ देखो जिनको नहीं आ रहा समझ में आ जाएगा। मैं बोलता हूं कि भाई इस बॉडी का जिनसे हो गया जो कर रहे खुद से कितने टोटल मास कितना है इसका, कितना मास है टोटल एम एन, अब मुझे इतने का तो इसको मैं एक बॉडी मानता हूं जो शेडेड है, या नहीं जो पूरा बॉडी को एक बॉडी मान लिया एम वन, और इसको मैंने बोला एम टू। तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो एम वन की वैल्यू कितनी है, एम है क्योंकि टोटल है, और एम टू कितना है भाई, तो एम टू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं, सिग्मा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, किस केस के लिए मैं बोल रहा हूं, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये आपका मान लिया मैंने 2 आर रेडियस है उसका, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इनटू इसका एरिया, उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड दिस इज एम बाई 16 आ गया, m by कितना आ गया, so m2 की वैल्यू आ गई m by 16, ध्यान रहे नेगेटिव है, m2 क्या है खाली नेगेटिव, तो सिंपल हो गया, तो xcm इक्वल टू में लिखता हूं m1 x1 अपॉन प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की जगह पे क्या है m, x1 की जगह पे क्या लिखोगे, जीरो ना, इसका सेंटर पे ही ना सेंटर ऑफ मास, तो जीरो, अब देखो m2 की जगह पे नेगेटिव है m by 16 into m by 16 का कहां पे सेंटर ऑफ मास, r by 2 है y में, x में कहां पे 0 पे, तो अपॉन m minus m by 16, तो एनीवे दिस इज 0, एंड तो समझ में भी आएगा कि x एक्सिस के ऊपर बॉडी सिमेट्री है क्या, नहीं, y के ऊपर सिमेट्री है, देखो इस बार y के ऊपर सिमेट्री है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला है, y एक्सिस पे, कहां लाई करेगा, अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x में क्या कोऑर्डिनेट होगी, 0 ना। अच्छा अब मैं YCM निकालने की कोशिश करता हूं, तो YCM क्या होगा M1 Y1 plus M2 Y2 upon M1 plus M2, तो मैंने बोला M1 की जगह डाल दो M, Y1 की जगह क्या डालोगे 0, फिर से 0, वेरी गुड, M2 की जगह पे Y2 की जगह पे R by 2, वेरी गुड, होल डिवाइडेड बाय M minus M by 16, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस एम बाई 16 इंटू आर बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एम 15 एम बाई 16 और इसे 16 अपॉन 15 एम, समझ में आ रहा है क्या, एम से एम कैंसिल 16 से 16 कैंसिल और इसे माइनस आर बाई 30 माइनस आर बाई 30, अब ये वाई में माइनस आर बाई 30 है मतलब क्या, अपना सेंटर मास ये ओरिजिन है, वाई निगेटिव मतलब आर बाई 30, इस आर बाई 2 इतना है, आर बाई 30 इतना होगा बहुत कम होगा, तो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो 0 हो गया x में एंड y में हो गया माइनस r बाई, क्या समझ में आएगा, ठीक है समझ में आ गया, सो मोर ऑर लेस जितने भी सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन होते हैं अब आप सॉल्व कर सकते हो, अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास निकालने का वो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब हेडिंग डालो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेडिंग डालो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास का मोशन हम पढ़ेंगे, हेड डालिए सब लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें घबराने जैसा है, डरने जैसा है, या ज्यादा जाने जैसा है, आपको पहले से आता है, लिखा हुआ क्या हुआ वाला सबका, हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए, अपने को पता है यार आर सी एन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, M1 R1 plus आगे बोलो जल्दी जल्दी, जो नहीं बोल रहे ना ध्यान रखना, फिर समझ लो क्या होने वाला है, क्या होगा R C equal to बोलो M1 R1 plus M3 R3 plus whole divided by M1 plus M3 plus dot 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 बहुत तक, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, जब निकालते हैं मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं, बहुत सारे लोग अभी उधर लिख ही रहे ना,
मुझे मालूम है कुछ लोगों से नहीं है। इधर आ जाओ, ध्यान से देखो नहीं तो नहीं समझेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। एक्चुअली क्या है, मान लो दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी, मैं समझाता हूं इसको, पहले इधर ध्यान दो। इधर ध्यान दो सब लोग। मान लो एक बॉडी है M1, क्या है बॉडी M1, ये इसकी तरफ चल रहा है किसी एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से, और एक दूसरा बॉडी है मान लो ये M2, ये कौन है, ये इसकी ओर आ रहा है, दोनों बॉडी अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 है, एक्सेलरेशन a1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, एक्सेलरेशन a2 है, दोनों जब एक साथ एक दूसरे की ओर आते हैं तो होता क्या है, तो अगर मैं बोलूं अगर इनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप क्या करते हो, मान लेते हैं कि सर आप एक्स वाई एक्सिस का ही मान लेते हो, है कि ना, अरे बोलो यार, ऐसा कर लेते हैं x और y दो जगह जगह मान लेते हैं और उसके बाद से फिर लिखते हैं m1 x1 plus m2 x2। अच्छा अच्छा ये देख के बोल रहे हो, तो y ये है, सॉरी m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो उस तरह से x ये निकल रहे हैं। अगर दोनों मोशन कर रहे हैं, अगर उनका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका x2 है, अगर मैं उनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, rcm के जगह पे क्या, ये वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर दो इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या ये rcm जो है वो vcm नहीं बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, तो क्या मैं बोल दूं ये vcm हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 whole divided by, अरे सही बात है गलत बात है, सही बात है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये vcm बेसिकली है क्या, तो ये m1 into v1 क्या है, मोमेंटम, क्या है वो, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एक मिनट, किसका मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी का, तो मैंने बोला सर दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 1, तो मैंने लिखा p1 plus p2 plus वेक्टर फॉर्म में लिखने का और डिवाइडेड बाय नेट मास, टोटल मास सिग्मा, क्या समझ में आ रहा है, वैसे तो डायरेक्ट मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, समझ में आ गया। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, चलो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 जो है तुम्हारा, ये इक्वेशन नंबर 1 का ध्यान दो यार, बात नहीं, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, acm इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 a1 plus m2 a2 plus dot 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 divided by m1 plus m2। अब इस तरह से हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों मिल गया, क्या मिल गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। छापने में जो लोग लगे हुए हैं ना उनको कुछ नहीं समझेगा बाद में, खाली छापे जा रहे हैं, अरे मैं दूंगा ना टाइम, बोल रहा हूं ना, पहले समझ तो लो। एक चीज मुझे समझ में आई, पहले तो मुझे ये क्लियर हो गया ये पोर्शन, अब मुझे ये भी क्लियर हो गया कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो, m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2 वगैरह कर लेंगे, बहुत अच्छा। अब मैंने सोचा कि यार बॉडी ये मान लो m1 स्पीड से a1 एक्सेलरेशन से, ये m2 मास a2 स्पीड से इधर की ओर आ रहा है, मानो दोनों किसके वजह से आ रहे हैं, तो कोई अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, मान लो F फोर्स है, दोनों के बीच में मास है, आपको ग्रेविटेशन में सिखाऊंगा मैं, दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर मान लो कि चार्ज होता तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ एक्शन रिएक्शन फोर्स के पेयर की वजह से आ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर।